ये है पोको X3 प्रो और इस वीडियो में हम इसका फुल कैमरा टेस्ट करने वाले। 48 MP के क्वाड कैमरा इसके अंदर दिया है एंड फ्रंट में मिलता है 20 MP का सेंसर, फुल HD, 60 FPS, 30 FPS, व्लॉगिंग, 4K, नाइट, सब कुछ इस वीडियो में हम कवर करने वाले, तो वीडियो को देखते रहिए। तो पोको X3 प्रो का फ्रंट कैमरा आप देख सकते हैं क्वालिटी कैसा हमें देखने को मिल रहा है। फुल सनलाइट के अंदर अगर आप शूट करते मैक्सिमम आप फुल HD 30 FPS पे शूट कर सकते हैं, यहाँ पे कुछ ऐसा ही हमें आउटपुट देखने को मिल जाता है। तो आप देख सकते हो ओवरऑल क्वालिटी हमें कैसा देखने को मिल रहा है फुल HD 30 FPS पे। एंड प्रॉपर तरीके से अगर मैं HDR आपको टेस्ट करके दिखाऊं तो सन के ऑपोजिट साइड पे आप देख सकते हैं HDR अभी कैसे काम कर रहा है, फेस के ऊपर कैसे हमें लाइट वगैरह देखने को मिल रहा है, तो डार्क एरिया पे कितना ज्यादा शेडो ये पे प्रोवाइड कर रहा है वो ये पे आप देख सकते हैं। एंड व्लॉगिंग करते टाइम अगर आप वॉक करते हैं इसके अंदर स्टेबलेशन भी दिया गया है, बट बाई डिफॉल्ट अगर आप वॉक करते तो देख सकते हैं वॉक करने पर बाई डिफॉल्ट हमें कितना ज्यादा स्टेडी वीडियो ये पे देखने को मिल रहा है। और ये पे अगर आप स्टेबलाइजेशन को ऑन करते तो वीडियो बहुत ही ज्यादा क्रॉप हो जाता है, तो ऑब्वियसली आप ट्राई करिए कि स्टेबलाइज ना करके वीडियो को रिकॉर्ड करने की। क्रॉपनेस की बात करूं तो आप देख सकते हैं कितना ज्यादा एरिया ये पे कैप्चर हो रहा है, बाय डिफॉल्ट पे अगर आप रिकॉर्ड करते हैं तो बहुत ही बढ़िया एरिया ये पे कैप्चर हो जाता है। ऑब्वियसली आप स्टेडी वीडियो मोड को ऑन कर देते तो स्लाइटली पे वो क्रॉप कर देता है। एंड करंटली अभी फुल अपडेट करने के बाद ओवरऑल क्वालिटी हमें कैसा देखने को मिल रहा है वो आप देख सकते हैं। अब बहुत सारे हैंडसेट के अंदर फुल HD 60 FPS का भी ऑप्शन दिया जाता है, बट इसके अंदर ऐसा कुछ भी नहीं है, यहाँ पे क्लियरली आप मैक्सिमम फुल HD 30 FPS पे शूट कर सकते हैं। और इसका मुझे 30 FPS भी बेकार नहीं लग रहा है, मैं आसपास थोड़ा सा मूव करके दिखा रहा हूँ, बिल्कुल यहाँ पे 60 FPS की तरह ही फ्रेम मूवमेंट हमें देखने को मिल रहा है, 30 FPS की तरह स्टैक वाला फ्रेम मूवमेंट हमें देखने को नहीं मिल रहा है। आप देख सकते हैं स्टेबलाइजेशन वगैरह कुछ भी यहाँ पे मैंने ऑन नहीं किया, फिर भी बहुत ही ज्यादा स्मूथ फ्रेम अगर मैं मूव करके दिखाऊं तो बहुत ही ज्यादा स्मूथ मूव यहाँ पे हो रहा है। अभी इसका माइक टेस्ट करके मैं आपको सुना रहा हूँ, तो अभी ये जो साउंड आपको सुनने को मिल रहा है ये पोको X3 प्रो के इंटरनल माइक से मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, कोई भी एक्सटर्नल माइक वगैरह यूज नहीं कर रहा हूँ। तो व्लॉगिंग वगैरह अगर आप करना चाहते इसके इंटरनल माइक से तो आप सुन सकते हैं कैसा हमें ऑडियो क्वालिटी यहाँ पे सुनने को मिलता है। और भाई फ्रंट कैमरा पे आप ओनली दोनों ही रेजोल्यूशन पे शूट कर सकते हैं, फुल HD 30 FPS एंड 720p 30 FPS। 720p मैं नहीं दिखा रहा हूँ क्योंकि मैक्सिमम लोग फुल HD 30 FPS ही यहाँ पे यूज करने वाला है। और अभी हमने स्टेबलाइजेशन को ऑन कर दिया, आप देख सकते हैं कितना ज्यादा ये पे क्रॉप हो गया है। और इस सिचुएशन में अगर मैं आपको वॉक करके दिखाऊं तो देख सकते हैं कितना ज्यादा सिनेमेटिक मूवमेंट हमें देखने को मिल रहा है फुल HD 30 FPS पे रेजोल्यूशन है। और ये पे इमेज स्टेबलाइजेशन ऑन है, आप देख सकते हैं मैं पे अच्छा खासा ये पे जार्किंग करके दिखा रहा हूँ, देख सकते हैं कितना ज्यादा स्मूथ मूवमेंट हमें देखने को मिल रहा है। और ये पे आसपास मैं आपको थोड़ा सा मूव करके दिखा रहा हूँ, 360 राउंड करके भी बहुत ही बढ़िया मोशन ये पे कैप्चर कर रहा है। अभी बैक कैमरा की बात करूं तो ये फुल HD 60 FPS पे रिकॉर्ड हो रहा है, स्टेबलाइजेशन वगैरह कुछ भी हमने ऑन नहीं किया। और इस सिचुएशन पे अगर आप वॉक करते तो देख सकते हैं बैक कैमरा का ओवरऑल क्वालिटी हमें कैसा देखने को मिल रहा है। मैं पे अच्छा खासा वॉक कर रहा हूँ एंड स्टेबलेशन का भी आप अंदाजा लगा लो, बाय डिफॉल्ट पे अगर आप वॉक करते हो विदाउट स्टेबलेशन अगर आप वॉक करते हो तो जार्किंग हमें कैसा देखने को मिलता है। ग्रीन कलर अगर मैं दिखाऊं तो बहुत ही अच्छा है, ग्रीन टोन हमें देखने को मिल रहा है जैसा X3 के अंदर मिला था, बिल्कुल ये ओवर सेचुरेट नहीं कर रहा है, बहुत ही अच्छा खासा ग्रीन कलर ये पे मेंटेन कर रहा है। आप देख सकते हैं ग्रीन का कलर बिल्कुल ये वाइब्रेंस ज्यादा नहीं है, नेचुरल टोन हमें देखने को मिल रहा है। और अभी यहाँ पे हमने स्टेबलेशन को कर दिया है ऑन और इस सिचुएशन पे अगर आप वॉक करते तो देख सकते हैं कितना ज्यादा स्मूथ हमें वीडियो देखने को मिल रहा है फुल HD 60 FPS पे, वैसे ही बहुत ज्यादा स्मूथ होता है। एंड इस सिचुएशन पे अगर आप स्टडी मोड को ऑन कर देते एंड यस ये वीडियो बहुत ही ज्यादा सुपर स्मूथ लग रहा है। यहाँ पे एक छोटा सा प्रॉब्लम है, अभी जो स्टेबलेशन मैंने आपको दिखा था वो फुल HD 60 FPS पे नहीं 30 FPS पे हो गया। 60 FPS पे अगर आप रिकॉर्ड करते स्टेबलेशन को ऑन करने के बाद ऑटोमेटिकली वो कन्वर्ट होकर 30 FPS हो जाता है, तो यस ये थोड़ा सा इसका प्रॉब्लम है। 60 FPS पे आप स्टेबलेशन ऑन नहीं कर सकते, 30 FPS पे वो कन्वर्ट होकर हो जाता है। और भाई बहुत सारे लोगों को 4K का डिमांड होता है, तो अभी ये जो वीडियो ये पे आप देख सकते हैं ये 4K पे मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ओवरऑल क्वालिटी आप देख लो 4K पे अगर आप रिकॉर्ड करते हैं तो क्लियरिटी ये पे हमें कैसा देखने को मिल रहा है। आसपास अगर मैं मूव करूँ तो उतना ज्यादा स्मूथनेस हमें देखने को नहीं मिलेगा, बट 4K का जो क्लियरिटी है वो बहुत ही अच्छा खासा ये पे हमें आसपास देखने को मिल रहा है। ग्रीन कलर ये पे आप देख सकते हैं कैसा मिल रहा है। और इस गंदा फूल को अगर मैं थोड़ा सा पास से दिखाऊँ तो देख सकते हैं 4K का क्लियरिटी आपको अंदाजा आ रहा होगा, किसी भी सब्जेक्ट को अगर आप बहुत ज्यादा पास में जाते तो 4K के अंदर कैसा हमें क्वालिटी एंड क्लियरिटी देखने को मिलता है। शार्पनेस बहुत ही अच्छा खासा है और उसके साथ सैचुरेशन वाइब्रेंस बहुत ही बढ़िया तरीके से ये पे मेंटेन किया है, बिल्कुल इसको वॉश आउट नहीं एंड बहुत ज्यादा सैचुरेट नहीं, बहुत ही अच्छा खासा ये पे बैलेंस टोन मेंटेन किया है। तो ये है इसका 4K 30 FPS का रेजोल्यूशन, ये पे 60 FPS नहीं दिया है, ओनली आप 30 FPS पे मैक्सिमम शूट कर सकते हैं, बट ये पे 4K का ऑप्शन दिया है, यही बड़ी बात है। सच में ग्रीन पत्ते वगैरह मैं आपको दिखाऊं तो आप देख सकते हैं किसी भी सब्जेक्ट को बहुत ही ज्यादा पास से दिखाऊं तो बहुत ही बढ़िया तरीके से ये पे क्लियरिटी हमें देखने को मिलता है। और भाई नॉर्मल फुल HD 60 FPS पे कोई भी ग्रीन कलर अगर मैं दिखाऊं तो आप देख सकते हैं कैसा
कैमरा हमें देखने को मिल रहा है, क्लियरिटी तो बहुत ही बढ़िया है। एंड मैं पे आसपास मूव कर रहा हूँ, आप देख सकते हैं स्मूथनेस भी इसके साथ बहुत ही अच्छा का साथ है। एक्सेलरेशन में ये पे ऑन नहीं किया, कितना ज्यादा एरिया ये पे कैप्चर होता है वो ये पे आप देख सकते हैं। और ये पे और एक ऑप्शन दिया है, ये पे 1x से आप 1.4x, 1.7 और ये हो गया 2.1x, ऐसे आप जूम कर सकते हैं। मतलब कितना ज्यादा ये पे जूम होता है, 6x तक ये पे जूम हो सकता है। और लाइव वीडियो के अंदर ये जूम फीचर दिया है, तो ये बहुत ही अच्छा खासा फीचर इसके अंदर दिया है। आप लाइव वीडियो के अंदर ऐसे जूम करके किसी भी सब्जेक्ट को या किसी भी चीज को थोड़ा सा पास से दिखा सकते हैं। बट और एक चीज अगर दिया जाता तो बहुत ही बढ़िया होता, अल्ट्रावाइड मोड पे अगर मैं अभी शिफ्ट कर सकता तो बहुत ही अच्छा खासा ये पे ऑप्शन दिया होता। तो आप देख सकते हैं ये बाय डिफॉल्ट 1x पे, इससे नीचे आप नहीं कर सकते, यानी कि अल्ट्रावाइड पे आप नहीं शिफ्ट कर सकते। और अल्ट्रावाइड पर अगर आप वीडियो रिकॉर्ड करना चाहते हैं तो आपको रिकॉर्डिंग स्टॉप करके 0.66 पे ले जाना पड़ता है। तो देख सकते हैं अल्ट्रावाइड पे मैंने बाद में जाके शिफ्ट किया, बट लाइव व्यू के अंदर अल्ट्रावाइड के अंदर शिफ्ट करने का कोई भी ऑप्शन नहीं है। देख सकते हैं अल्ट्रावाइड पे अगर आप रिकॉर्डिंग करते हैं तो क्वालिटी वगैरह कैसा है। एंड पूरी तरीके से अगर मैं स्काई को दिखाऊं तो बहुत ही अच्छा खासा डिटेलिंग अल्ट्रा वाइड है, तो क्वालिटी बिल्कुल यहाँ पे लॉस नहीं हो रहा है, बहुत ही अच्छा खासा क्वालिटी यहाँ पे मेंटेन कर रहा है। एंड अल्ट्रावाइड पे थोड़ा सा मैं आपको वॉक करके दिखाता हूँ स्टेबलाइजेशन हमें अल्ट्रावाइड पे कैसा मिलता है। बहुत सारे लोग अल्ट्रावाइड का इस्तेमाल करते किसी भी जगह को बहुत ही ज्यादा सुंदर ये कर देता है। ए, की कोचिश सब्जेक्ट को पास से लेके दिखा था वो अल्ट्रावाइड के अंदर कैसा आता है, देख सकते हैं बिल्कुल ही यहाँ पे डिटेलिंग मिस नहीं हो रहा है, स्लाइटली यहाँ पे मिस होता है 1x, मतलब नॉर्मल से स्लाइटली क्वालिटी लॉस होता है, बट बिल्कुल ही वो ज्यादा नहीं होता है। बट पोको X3 प्रो का अल्ट्रावाइड मैं देख रहा हूँ, बिल्कुल यहाँ पे ज्यादा नहीं हो रहा है, पोको X3 की तरह ही अल्ट्रावाइड क्वालिटी हमें देखने को मिल रहा है। अब डुअल वीडियो मोड भी इसके अंदर दिया है, जैसे कि आप देख सकते हैं बहुत सारे लोगों का डिमांड रहता है, ऐसे व्लॉग बहुत सारे लोग करना चाहते हैं, आगे का सीन भी दिखाना चाहते हैं और पीछे का सीन भी यहाँ पे दिखाना चाहते हैं। तो देख सकते हैं ऐसे डुअल वीडियो अगर आप इस्तेमाल करते तो बहुत ही अच्छा खासा यहाँ पे कैप्चर हो जाता है। फ्रंट के साथ बैक कैमरा का भी इस्तेमाल आप कर सकते हैं, बहुत ही अच्छा खासा यहाँ पे लुक आता है। एंड मोस्ट इंपोर्टेंट चीज, इसका टेम्पलेट भी आप चेंज कर सकते हैं, दोनों टेम्पलेट यहाँ पे दिया है। इससे कैसा मोड हमें देखने को मिलता है यहाँ पे आप देख सकते हैं, फ्रंट स्क्रीन बहुत ही ज्यादा छोटा हो जाता है एंड बैक व्यू बहुत ही ज्यादा बड़ा हो जाता है। तो इस तरीके से भी आप यूज कर सकते हैं, आपको दो टेम्पलेट देखने को मिलता है। तो अब ये जो इंटरफेस आप देख सकते हैं, ये पोको X3 प्रो का फ्रंट कैमरा इंटरफेस है। आप देख सकते हैं कैसा हमें लुक देखने को मिल रहा है, ये पे स्टैंडर्ड ऑप्शन हमें देखने को मिलता है। बाय डिफॉल्ट ये पे फास्ट HDR का ऑप्शन मिलता है, तो ये सिचुएशन बढ़िया रहेगा HDR के लिए। यहाँ पे HDR को ऑन करके क्लिक करते हैं, अब ये पे HDR को ऑफ करके क्लिक करते हैं, तो दोनों का डिफरेंस आप देख लो, पोको X3 प्रो का HDR का डिफरेंस। नेक्स्ट ये पे AI का ऑप्शन मिलता है, तो ये पे AI को ऑन कर लेते हैं और ये सीन बढ़िया रहेगा। ये पे थोड़ा सा ग्रीन पत्ते वगैरह है, तो सैचुरेशन बहुत ही अच्छा खासा ये पे दिखा देता है। तो अभी AI ऑन करके क्लिक करते हैं, अब AI को ऑफ करके क्लिक करते हैं, तो ये है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का डिफरेंस। नेक्स्ट ये 3 लाइंस पे अगर आप क्लिक करते हैं तो फर्स्ट ये मिलता है रेशियो, नेक्स्ट टाइमर ये पे 3 सेकंड कर देते हैं, सेटिंग्स मूवी फ्रेम पंप शटर शो ग्रिड लाइन एंड टाइम ब्रस्ट। अभी देख लेते हैं इसका AI ब्यूटिफिकेशन किस तरीके से काम करता है। ये पे ये जो बटन दिया इसके ऊपर अगर क्लिक करते हैं तो फर्स्ट ये पे स्मूथ 81%, फेस शेप को 73, बिग आईज 77, नोज 81, चिन एरिया 25, लिप्स बहुत सारे ऑप्शन दिया है भाई, हेयर लाइन को भी ये पे आप चेंज कर सकते हैं, सबसे लास्ट मेकअप इसको भी 73 के आसपास कर देते हैं, मैक्सिमम ये पे हमने कर दिया है सब कुछ। और अभी लाइव चेंजेस आप देख सकते हैं, डिफरेंस हमें कैसा देखने को मिल रहा है, स्लाइटली ये पे चेंजेस मिल रहा है, बट ऑब्वियसली ये प्रोफेशनल चेंजेस है, आपको उतना ज्यादा समझ में नहीं आएगा। दोनों के अंदर मैं आपको डिफरेंस करके दिखाऊं तो आपको समझ में आ जाएगा, बट लाइव ये पे आप देख सकते हैं AI ब्यूटिफिकेशन को अगर आप पूरी तरीके से मैक्सिमम यूज करते तो कैसा हमें क्वालिटी देखने को मिलता है, लाइव व्यू के अंदर आप देख सकते हैं। तो अभी ये पे क्लिक कर लेते हैं, तो ये है कुछ सैंपल AI ब्यूटिफिकेशन मोड का। अभी सब कुछ ये पे हमने मैक्सिमम कर दिया है आपके सामने, और अभी ये पे क्लियर करके मैं आपको दिखाता हूं कितना ज्यादा हमें डिफरेंस देखने को मिलता है। 3, 2, 1 दूसरे हैंडसेट की तरह उतना ज्यादा नहीं, जितना भी यहाँ पे किया गया है बहुत ही ज्यादा प्रोफेशनल टचअप इसके अंदर किया गया है। और X3 प्रो का AI ब्यूटिफिकेशन सिस्टम मुझे बहुत ही बढ़िया लग रहा है, बहुत ही अच्छा खासा चेंजेस यहाँ पे किया गया है। अब इसके साइड में दिया है फिल्टर का बटन, और देख सकते हैं कितने सारे यहाँ पे फिल्टर दिया है, एक एक करके मैं आपको अप्लाई करके दिखा रहा हूँ। तो आप देख सकते हैं बहुत ही ज्यादा काम का फिल्टर इसके अंदर भी दिया है, पोको X3 का भी मैंने आपको दिखा था, बहुत ही ज्यादा अच्छी तरीके काम का फिल्टर हमें देखने को मिल गया था, और इसके अंदर भी बहुत ही अच्छा खासा एक प्रोफेशनल फिल्टर हमें देखने को मिल रहा है। देख सकते हैं टी-शर्ट का कलर कैसे येलो से चेंज करके ऑरेंज कर दिया है। तो ये पे भी कुछ सैंपल ले लेते हैं,
अभी मोड के अंदर अगर आप क्लिक करते हैं तो देख सकते हैं कितना सारे ऑप्शन ये पे दिया है, शॉर्ट व्लॉग, एआई वाटरमार्क, क्लोन, 48 MP डॉक्यूमेंट्स, टाइम लैप्स, ड्यूअल वीडियो, नाइट, पेनोरामा, स्लो मोशन एंड लॉन्ग एक्सपोजर। तो भाई बहुत सारे लोग को व्लॉग मोड का डिमांड रहता है, तो इसके अंदर व्लॉग मोड दिया है, ये अगर आप इस्तेमाल करना चाहते तो बहुत ही अच्छा खासा क्रिएटिव वीडियो आप व्लॉग मोड से निकाल सकते हैं। अब फोटो का मैंने ऑलमोस्ट सब कुछ आपको दिखा दिया, पोर्ट्रेट मोड के अंदर जाके दिखाता हूँ वहाँ पे क्या कुछ है। तो ये है इसका पोर्ट्रेट मोड, आप लाइव व्यू के अंदर देख सकते हैं कैसा हमें का डेप्थ देखने को मिल रहा है। फ्रंट कैमरे से अगर आप पोर्ट्रेट मोड का इस्तेमाल करते हैं तो कैसा हमें क्वालिटी देखने को मिलता है। यहाँ पे ब्लर कंट्रोल के लिए बटन दिया है, आप देख सकते हैं यहाँ पे आप एपर्चर कंट्रोल कर सकते हैं। यहाँ पे F16 मतलब ब्लर बहुत ही ज्यादा कम होगा और F1.0 मतलब ब्लर बहुत ही ज्यादा होगा। आप देख सकते हैं आसपास ब्लर का डेप्थ आपको लाइव व्यू के अंदर ही देखने को मिल रहा है। तो अभी F1.0 पे क्लिक करते हैं, अब इसको मिडिल पे जाके मतलब F5.0 पे क्लिक करते हैं, अभी सबसे लास्ट ये पे F10 पे क्लिक करते हैं, मतलब सबसे लास्ट ही नहीं किया, F10 पे क्लिक करते हैं। तो तीनों के अंदर डिफरेंस आप देख सकते हैं, लो, मीडियम एंड हाई के अंदर बोखे मोड पे आप कैसा डिफरेंस देखने को मिल रहा है। बट बेटर ये पे रहेगा 2.8 या 3.5 पे आप कर दीजिए, एक स्टैंडर्ड बोखे मोड है। और पोर्ट्रेट मोड के अंदर और एक चीज ये पे दिया है, एआई मोड दिया है। यस, एआई मोड को आप पोर्ट्रेट मोड के अंदर ऑन कर सकते हैं और एआई मोड ऑन करने के बाद आप डिफरेंस देख सकते हैं कैसा हमें देखने को मिल रहा है। स्लाइटली एक वाइब्रेंस कलर मिलता है एंड पीछे जो ग्रीन कलर, ब्लू कलर स्काई के अंदर वो स्लाइटली सैचुरेट होकर वाइब्रेंस होकर एक बेटर कलर ये पे प्रोड्यूस कर देता है। एंड मोस्ट इंपोर्टेंट चीज, इसके अंदर ये जो बटन हमें देखने को मिल रहा है, इसके अंदर बहुत सारे फिल्टर दिए हैं, सिनेमैटिक फिल्टर जो हमें पोको X3 के अंदर भी देखने को मिल गया था। कुछ ये पे काम का चीज है और कुछ ये पे बहुत ही ज्यादा बेकार सा था। ये क्या, ये मतलब ये क्या, किस काम में आएगा, ये शादी के वीडियो बना रहे हम? तो देख सकते हैं जो भी आपको अच्छा लगता है ये पे आप अप्लाई करके बेटर लाइट इफेक्ट क्रिएट कर सकते हैं, ये स्टूडियो लाइट इफेक्ट आप बोल सकते हैं इसको। तो ये था कुछ सिनेमैटिक इफेक्ट जो आप ये पे यूज कर सकते, उतना बढ़िया मुझे नहीं लगा तो इसको ऑफ कर देते। अभी थ्री लाइन्स पर अगर आप क्लिक करते हैं, इसके अंदर सेटिंग्स ऑप्शन दिया है, तो पोको X3 प्रो के अंदर आप सेटिंग्स देख सकते हैं क्या कुछ ऑप्शन ये पे दिया है। अभी इसका बैक कैमरा इंटरफेस मैं आपको दिखा देता हूं, हमें क्या कुछ देखने को मिलता है। 3, 2, 1। तो ये है इसका बैक कैमरा इंटरफेस, आप देख सकते हैं बहुत सारे ऑप्शन ये पे देखने को मिल रहा है, AI, HDR, गूगल स्कैन सब कुछ इसके अंदर दिया है। और ये पे ये बाय डिफॉल्ट 1x पे चल रहा है, इसको अल्ट्रावाइड कर देते तो देख सकते हैं अल्ट्रावाइड के अंदर कितना ज्यादा एरिया ये पे कैप्चर हो रहा है, बहुत ही बढ़िया तरीके का एरिया ये पे कैप्चर कर लेता है एंड देखने में बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लग रहा है। पूरी तरीके से ये टावर को अगर मैं दिखाऊं तो आप देख सकते हैं ये बहुत ही बड़ा टावर है, ऑब्वियसली इसको नीचे से ये कैप्चर कर पा रहा है। तो देख सकते हैं बहुत ही ज्यादा एरिया 0.66 पे ये कैप्चर कर रहा है एंड मोस्ट इंपोर्टेंट इसके अंदर अल्ट्रावाइड करने के बाद भी क्वालिटी लॉस नहीं होता, उतना क्वालिटी यहाँ पे लॉस नहीं होता, अल्ट्रावाइड का एक इंडस्ट्री स्टैंडर्ड यहाँ पे मेंटेन करता है। अगला बैक के अंदर भी बहुत सारे फिल्टर्स यहाँ पे दिया है, इस बटन पे क्लिक करके आप सारे फिल्टर्स अप्लाई करके देख सकते हैं। यहाँ पे बहुत ही बढ़िया फिल्टर्स हमें देखने को मिलता है, इसका कलर इफेक्ट सच में बढ़िया लग रहा है। लाइट रूम के अंदर कलर करेक्शन करने के बाद जो इफेक्ट हमें देखने को मिलता है कुछ वैसा ही इफेक्ट कुछ जगह पे यहाँ पे दिया है, ऑब्वियसली सारे के बात मैं नहीं कर रहा हूँ, कुछ फिल्टर्स इसके अंदर वैसा ही हमें देखने को मिलता है। जैसे ये फिल्टर आप देख लो बहुत ही अच्छा खासा लग रहा है, एक प्रोफेशनल टोन ये पे मेंटेन कर रहा है जो देखने में बहुत ही ज्यादा अच्छे तरीके लग रहा है। एंड इसके नीचे ये पे दिया है ब्यूटिफिकेशन, ब्यूटिफिकेशन के अंदर भी बहुत ही अच्छा खासा ऑप्शन हमें देखने को मिलता है। बैक कैमरे के अंदर ब्यूटिफिकेशन को अगर आप इस्तेमाल करना चाहते तो देख सकते हैं बॉडी, लेग्स, हेड, कमर, शोल्डर सब कुछ ये पे आप कंट्रोल कर सकते हैं। आप समझ सकते हैं बैक कैमरा का ब्यूटिफिकेशन हमें कैसा देखने को मिलने वाला है। अभी इसके अंदर 10x जूम टेस्ट करके मैं आपको दिखाता हूं कितना ज्यादा ये पे जूम होता है एंड जूम करने के बाद भी स्टेबिलिटी हमें कैसा देखने को मिलता है। 1.9x, 2x, 3x, 8.99 और ये हो गया टोटल 10x। 10x जूम करने के बाद आप देख सकते हैं कितना ज्यादा ये पे जूम होता है और स्टेबिलिटी बहुत ही अच्छा खासा है, मैंने हाथ पे पकड़ के रखा और स्टेबिलिटी बहुत ही अच्छा खासा ये पे मेंटेन कर रहा है। शार्पनेस थोड़ा सा कम है बट इंडस्ट्री स्टैंडर्ड 10x जूम ये पे मेंटेन करता है। अब इसके अंदर फोकस टेस्ट करके मैं आपको दिखाता हूं फोकस हमें कैसा देखने को मिलता है, ऑटो फोकस किस तरीके से काम करता है। 3, 2, 1, 3, 2, 1, 3, 2, 1। इंस्टेंटली कोई सब्जेक्ट अगर विजिबल होता है तो कितना जल्दी से ये फोकस ले लेता है वो ये पे आप देख सकते हैं। अभी दूर से पास लेके देखते हैं, दूर, पास, दूर, पास, दूर, पास। तो भाई फोकस बहुत ही ज्यादा बढ़िया है, इंस्टेंट फोकस ये ले लेता है। ऑटो फोकस सिस्टम इसका बहुत ही अच्छा खासा काम करता है, इंस्टेंटली कोई सब्जेक्ट अगर विजिबल होता है तो बहुत ही अच्छी तरीके से ये फोकस में ले लेता है, दूर से पास आने के बाद भी फोकस बहुत ही बढ़िया रहता है। अभी ये है इसका पोर्ट्रेट मोड, आप देख सकते हैं लाइव व्यू के अंदर पोर्ट्रेट हमें कैसा देखने को मिल रहा है एंड भाई का टी शर्ट का कलर आप देख सकते हैं, सैचुरेशन बहुत ही अच्छा से ये पे खिल रहा है। यस, मेरा टी शर्ट है।
और बोखे अगर आप कंट्रोल करना चाहते हैं ऐसे ही आप कर सकते हैं। आप देख सकते हैं डिक्रीज एंड इंक्रीज करने के बाद हमें कितना ज्यादा डिफरेंस देखने को मिल रहा है। सैचुरेशन स्लाइटली हमें फेस के ऊपर ज्यादा देखने को मिल रहा है गोल्डन आवर है, एंड उसके वजह से ऑब्वियसली एक योलिश टोन हमें फेस के ऊपर देखने को मिल रहा है। तो आप देख सकते हैं लाइव व्यू के अंदर पोर्ट्रेट हमें कैसा देखने को मिल रहा है। ये पे AI का भी ऑप्शन ये पे दिया है, तो अभी यहाँ पे पोर्ट्रेट मोड पे कुछ सैंपल ले लेते हैं मीडियम 2.8 पे रख के। हाथ से दिखा कुछ ऐसे ऐसे करके दिखा, हाँ नहीं उस हद से। तो सैंपल ये पे आप देख सकते हैं फेस के ऊपर बहुत ही ज्यादा येलो स्टोन ये पे पड़ रहा है, गोल्डन आवर है, बट येलो स्टोन वार्म टोन बहुत ही ज्यादा हमें देखने को मिल रहा है। और कुछ सैंपल ये पे आप देख लो एज डिटेक्शन ये पे कैसा आता है, एंड मुंह के ऊपर बहुत ही ज्यादा वार्म टोन पड़ रहा है। और ये पे हमने AI मोड को ऑन किया था जिसकी वजह से ये येलो स्टोन ये पे पड़ रहा है। ये जो सीन ये पे आप देख सकते हैं ये पे हमने AI मोड को ऑफ कर दिया, और भाई का पोज ये पे आप देख सकते हैं कैसा मिल रहा है। AI मोड ऑफ करने के बाद फेस के ऊपर येलो स्टोन बहुत ही ज्यादा कम हो जाता है, एंड आसपास का एज डिटेक्शन भी यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत ही सही किया है। करेक्शन बहुत ही बढ़िया है, लुक लाइक रियल DSLR कैमरा। और सबसे लास्ट पोर्ट्रेट मोड का फोटो ये पे आप देख लो कैसा डिटेलिंग जस्ट ऑसम है, शार्पनेस बहुत ही अच्छा खासा ये पे मेंटेन किया है, एंड एज डिटेक्शन का काम बहुत ही अच्छी तरीके से किया है। ये पे आप देख सकते हैं बाल के अंदर प्रॉपर तरीके से अगर मैं दिखाऊं तो एज डिटेक्शन बहुत ही अच्छा खासा किया है। एज डिटेक्शन के अंदर AI ने बिल्कुल ये पे गलती नहीं किया। अभी इसके अंदर मैक्रो मोड ट्राई करके मैं आपको दिखाता हूं कितना ज्यादा डिस्टेंस ये पे आप कवर कर सकते हैं। नॉर्मल फोटो मोड से फर्स्ट मैक्रो लेने की कोशिश करते हैं, उसके बाद मैक्रो मोड ऑन हम करेंगे। तो फोटो मोड से अगर आप मैक्रो लेने की कोशिश करते हैं तो देख सकते हैं सब्जेक्ट के कितना ज्यादा डिस्टेंस ये पे हम कवर कर सकते हैं, इतना ही पास ये पे हम जा सकते हैं। तो ये पे कुछ क्लिक कर लेते हैं, इससे ज्यादा पास जाते हैं तो ये पे ब्लर हो जाता है, डिस्टेंस बहुत ही ज्यादा ये पे नहीं है। अभी ये 3 लाइंस पे क्लिक करके मैक्रो को ऑन कर लेते हैं तो आसपास का ब्लर का डेप्थ ये पे आप देख सकते हैं। अभी इस सब्जेक्ट की पास जाने की कोशिश करते हैं तो देख सकते हैं कितना ज्यादा ये पे हम पास जा सकते हैं, ये पे बहुत ही ज्यादा पास आ गए। और ये पे कुछ क्लिक करके मैं आपको दिखाता हूँ। तो अभी ये जो फोटो ये पे आप देख सकते हैं किसी भी सब्जेक्ट के ऊपर अच्छी तरीके से फोकस नहीं कर पाया, ये हमने नॉर्मल फोटो मोड से खींचा था। और डिटेलिंग ये पे आप देख सकते हैं कैसा हमें देखने को मिल रहा है, सब्जेक्ट को उतना ज्यादा क्लियरिटी से ये व्यू नहीं कर पाया, बट ओवरऑल एक कॉन्ट्रास्ट टोन हमें देखने को मिल रहा है। तो कुछ और फोटो ये पे आप देख सकते हैं जिस भी एरिया पे फोकस हुआ है फोकस उतना अच्छे तरीके से ये पे नहीं कर पाया, एंड शार्पनेस भी उतना बढ़िया नहीं है। और अभी ये जो क्वालिटी ये पे आप देख सकते हैं ये हम मैक्रो मोड ऑन करके खींचा था, बिल्कुल ही अच्छा क्वालिटी इसके अंदर नहीं है। आप देख सकते हैं बहुत ही आ रहा है। नॉर्मल कैमरे के अंदर ग्रीन कलर का सैचुरेशन बहुत ही अच्छा खासा ये पे शो किया था, बट इसके अंदर आप देख सकते हैं बिल्कुल ही अच्छा सैचुरेशन नहीं है, बहुत ही ज्यादा वॉश आउट कलर ये पे लग रहा है, बहुत ही ज्यादा न्यूट्रल टोन ये पे कर दिया। एंड प्रॉपर जूम करके अगर मैं दिखाऊं तो आप देख सकते हैं क्लियरिटी इसका भी अच्छा नहीं है। तो पोको X3 प्रो का मैक्रो कैमरा बिल्कुल ये पे अच्छा नहीं है, ठीक ठाक क्वालिटी ये पे दे देता है बट ऑब्वियसली एक इंडस्ट्री स्टैंडर्ड क्वालिटी ये मेंटेन नहीं कर पाया। तो मैक्रो मोड इसका बिल्कुल ही अच्छा नहीं है, इससे अच्छा आप नॉर्मल फोटो मोड से मैक्रो लेने की कोशिश करो, उससे आपको एक बेटर कलर टोन मिल जाएगा, उसको जूम या क्रॉप करके आप मैक्रो बना सकते हैं। अभी इसका नाइट मोड का वीडियो ये पे आप देख लो फुल HD 30 fps पे रिकॉर्ड हो रहा है, कैसा क्वालिटी हमें देखने को मिलता है, बहुत ही ज्यादा लो लाइट के अंदर मैं शूट कर रहा हूँ। लाइट अगर बहुत ही ज्यादा लो होता है उस टाइम हमें कैसा लाइट वगैरह देखने को मिलता है, फेस के ऊपर कैसा एक्सपोजर देखने को मिलता है, एंड शेडो एरिया कितना कवर होता है। सैचुरेशन स्लाइटली कम है बट ओवरऑल लाइट का एक्सपोजर बहुत ही अच्छी तरीके से मैनेज किया है। सो यस, नाइट मोड बहुत ही अच्छा हमें देखने को मिल रहा है। नाइट के टाइम अगर आप वीडियो रिकॉर्ड करते हैं तो बहुत ही अच्छा खासा वीडियो आपको मिल जाएगा, ओवरऑल क्वालिटी बहुत ही ज्यादा प्रोफेशनल है।